अमरोली कुसर आवास खाते रहता करियाणा वेपारी मकान मालिक और तेनी साथे आवेला पुलिस कर्मी सामे गंभीर आक्षेपो कर्या होवानी घटना सामे आवी छे। कुसार आवास में करियाणा की दुकान चलावता केवरचंद रबारीए मनसुख डाभीनो मकान लेवानो सोदो कर्यो हतो। मनसुख ने बीजे थी वधारे पैसा मळता होवाथी मनसुख डाभीए सोदो केन्सल करवानी वात केवरचंद ने करी। केवरचंदे सोदो केन्सल करवानी ना पाड़ी। आथी मनसुखे आ सोदो केन्सल करवा माटे हिरेन जेदाणी नामना पोलिस कोन्स्टेबल अने मुकेश जेदाणी ने आ सोदो केन्सल करवा माटे हवालो आप्यो। जेथी हिरेन जेदाणी नामना पोलिस कर्मी अने मुकेश जेदाणी ना केवरचंदनी करियाणानी दुकान पर आव्या हता। वर्दी में आवेला हिरेने केवरचंद ने तमाचा चोपड़ी सोदो केन्सल करवा दबाण अने दम दाटी आपी होवाना आक्षेप करवामां आव्या छे। आ साथे केवरचंदे मनसुख हिरेन अने मुकेश सामे हाल सूरत पोलिस कमिश्नर ने तमाम विरुद्ध फरियाद आपी न्याय की मांग करी छे। आ साथे हिरेन नामनो पोलिस कर्मी आगळ पण ज्यारे विधानसभा चूंटणीनो प्रचार धमधमाट चालू हतो त्यारे आम आदमी पार्टीना प्रतीक साथे फरतो होवाथी चूंटणी पंचे गुनो दाखल करी सस्पेन्ड कर्यो हतो। फरीवार ट्राफिक पोलिस कोन्स्टेबल तरीके फरजमां लागी पोतानो पावर बतावियो छे। आगळ जोवानुं रह्युं के पोलिस कमिश्नर आ पोलिस कर्मी विरुद्ध शुं कार्यवाही करे छे जोवानुं रह्युं। गेवरचंद सुवलाल रिबारी तेने का अमरोली आवास कोसाड़ सूरत परसों 12:30 बजे 24 तारीख को एक पुलिस वर्दी में आया था। पुलिस वाला हिरेन जेतानी नाम से और एक उनका साथ में उनके पापा या अंकल कोई था मुकेश भाई नाम, दोनों आके 12:30 बजे धमकी दिया और मुझे कदर पकड़ के धक्का मारा और नीचे गिराया, बाल पकड़े, दो तमाचे मार दिए और बोला तेरे मेरे पुलिस में बहुत जेक से है, हमारा पटेल का बहुत बड़ा ग्रुप है और तुम्हारे जो हो कर लेना और ये फिर ये जो मैंने हमारा लेवेज किया बोला वापस ले लेना, नहीं तो 1-2 लाख का 4 लाख देना पड़ेगा और बहुत धमकी दिया और ऐसा कर दूंगा। फिर मैंने 100 नंबर पर फ़ोन किया और तो गाड़ी आई 10 मिनट में, तब तक वो गाड़ी लेके भगे और फिर मैं PCR में बैठ के अमरोली पुलिस चौकी में गया था। फिर वहाँ मैं 4-5 घंटे बैठा, वहाँ मेरी कोई सुनाई नहीं हुई। मुझे भी जैसे जैसे साहब ने ऐसे तैसे बोला कि ऐसा करते हो उल्टा उल्टा बोल रहे थे और धमकी दे रहे थे, दुकान खाली करा दूंगा, ऐसा करा दूंगा। मैं बच्चों को लेके बैठा हूँ, मेरे छोटे मोटे वाला कहाँ का और क्या पुलिस वाला उनका वो मतलब उसका वराचा ड्यूटी है उसमें ट्रैफिक पुलिस में ऐसा लगता है और उनको उनके पापा है, वो काका है, पापा जो भी साथ में आए दोनों ने बहुत जबरदस्त धमकी देके गए। आज सुबह भी मुझे बोल रहे कि फैसला कर लें तो ऐसा कर लूँगा धमकी दे रहे थे मुझे। क्या मुद्दा है, पूरा मुद्दा वो बोल रहा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 3 बार सस्पेंड हो गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा बहुत बड़ा ग्रुप है, तुम्हारा जो हो कर लेना, तुम परदेसी हो मारवाड़ी क्या कर लोगे मेरा। हमने बोला हम आपसे ये आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा परदेसियों से रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारा से जल्दी जल्दी सुनाई करें, हमारे को न्याय दिलाने की कृपा करावे, हमारे आज हमारे साथ हुआ कल दूसरे हमारे भाइयों के साथ ऐसा नहीं होवे, इसके लिए आपसे अनुरोध है कि हमारे को सच्ची राह दिलावे और आपकी कृपा करावे हमारे पर और न्याय दिलावे। मैटर थी आपके साथ? मैटर क्या, मैंने एक अमरोली में मकान लिया था वो 80 लाख में 8 तारीख को सौदा किया था हमने, उसमें वो मकान मालिक बोल रहा है मनसुख भाई बोल रहा है कि पैसे मैंने सौदा कर लिया, लिखावट हो गई, मैंने उसके बदले मैंने जूना मकान बेच दिया, सौदा कर लिया, पुराना मकान बेच के सौदा कर लिया। उन्होंने वो बोलता है कि सही वापस ले ले, तो नहीं मैंने मना किया अभी मैंने कर लूँगा, तो उसने बोला फिर उनको बोले मेरे सगे वालों उस सगे वालों ने भेजा उसको और फिर मुझे धमकी पुलिस वाला बोला मैं पुलिस वाला हूँ, धमकी देके मुझे डरा रहे थे ऐसा कर दूँगा। मेरा बच्चे सब परेशान हो गए 4 दिन से। हम चाहते हैं कि हमको हमारा मकान, मुझे मेरा मकान बेच दिया, मैं रोड पर हूँ, मुझे मेरा जो सौदा हुआ मुझे मकान चाहिए, आज मेरी यही परिस्थिति में बहुत ख़राब हूँ, हालत में हूँ, 4 दिन से हमने खाना नहीं खाया, बच्चे मम्मी सब बच्चे बीवी रो रहे हैं। मैं कमीशन ऑफिस पर आया हूँ साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे थोड़ा न्याय दिलावे, मैं आज मेरे साथ हुआ कल मेरे भाइयों के साथ दूसरों के साथ ऐसा नहीं होवे, मुझे न्याय दिलाने की कृपा करावे। ब्यूरो रिपोर्ट LK स्टार न्यूज़ सूरत।